हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। आप देख रहे हैं हेल्पिंग तपन, मैं हूँ रोहित। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज 22 अगस्त है और आज में जितना न्यूज और करंट अफेयर है आज 22 अगस्त का मैं लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, मैं कल आपको एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आप लोगों ने बहुत गलत दिए हैं। हु हैज़ ऑन द सिल्वर मेडल इन द मैंस 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी इन जाकर्ता 20 अगस्त 2018। दोस्तों ये ऑप्शन ए होगा आंसर, दीपक कुमार, और आप लोगों ने रवि कुमार करके आंसर दिए हैं क्योंकि रवि कुमार और पूर्वी चांदले जो है ये मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर राइफल में जीते थे, लेकिन ये जो दीपक कुमार है सिल्वर मेडल इंडिविजुअल में मिला है इनको। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आंसर कुछ भी सही दे रहे हैं, कुछ लोगों ने सही दिए हैं। चलिए दोस्तों आज का जो करंट अफेयर शुरू करते हैं। दोस्तों अभी आप मुझे ऑन एकेडमी में फॉलो कर सकते हो। ऑन एकेडमी एक लर्निंग ऐप होता है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए मुझे, तपन घड़ई सर्च कीजिए, और जहाँ पे मैं आपको रेलवे SSC के रिलेटेड आपको तैयारी का वीडियो बनाता हूँ। आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, जहाँ पे आपकी जो भी इशू है मैं मैसेज के जरिए मैं आपको कमेंट में आपको बता सकता हूँ। तो आप मुझे जाके ऑन अकेडमी में फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आज 22 अगस्त है तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। संजीव राजपूत ऑन द सिल्वर मेडल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों संजीव राजपूत है जो है इनको जो राइफल शूटिंग में सिल्वर मेडल मिला है, ये 50 मीटर के राइफल शूटिंग में 3 पोजीशन जो इवेंट हो रहा था उसमें सिल्वर मेडल मिला है, और ये जो मिला है 21 अगस्त, मतलब कल मिला था हमको, ये चाइना को गोल्ड मिला है और जापान को ब्रॉन्ज मिला है। ये 50 मीटर गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम जो 2018 में हो रहा था उन्हें भी गोल्ड मिला है 50 मीटर या राइफल में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो NATO नाटो ऑप्शन हैज़ बीन स्क्रैप्ड बाय। दोस्तों ऑप्शन ए होगा आंसर, सुप्रीम कोर्ट ने जो नॉन ऑफ द अबव जो इलेक्शन वोटिंग पूल EVM में जो एक ऑप्शन रहता है नाटो, उसको रद्द किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो जो अगले राज्यसभा इलेक्शन आने वाला है उसमें रद्द किया जाएगा, आप डायरेक्टली वोट पूल कर सकते हैं। ऑप्शन ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हिच मेडल डिड सौरभ चौधरी विन 10 मीटर एयर पिस्तल। दोस्तों सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल मिला है 10 मीटर एयर पिस्तल में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। केरला फ्लड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज क्लामिटी ऑफ सर्वर नेचर बाय व्हिच ऑफ दीज। क्लामिटी ऑफ सर्वर नेचर मतलब गंभीर प्रकृति की आपदा। तो ये जो यूनियन मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है, कब ये कब डिक्लेयर होता है, जब परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाता है तो तब डिक्लेयर किया जाता है। और यहाँ भी NDRF नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को भी सहायता के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो यूनियन मिनिस्टर ने बोले हैं। चलिए दोस्तों ऑप्शन सी होगा यूनियन मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ लोकायत। दोस्तों लोकायत का न्यू चीफ कौन है, TP शर्मा। दोस्तों ये रिटायर्ड जज ऑफ छत्तीसगढ़ का रिटायर्ड जज थे हाईकोर्ट का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द फर्स्ट एवर IAF RMAF जॉइंट एयर एक्सरसाइज स्टार्टेड। मतलब वो कह रहे हैं कहाँ शुरुआत हुआ है, इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ये दोनों मिलके जॉइंट एयर एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हो चुका है मलेशिया में। ऑप्शन ए होगा आंसर। और जिस एक्सरसाइज का नाम है इलांग शक्ति, ये एक्सरसाइज दोनों मिलके कर रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। Chandrayaan-1 डाटा हैज कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ दीज। Chandrayaan-1 इसरो ने 2008 में मून को एक सैटेलाइट मतलब लॉन्च किया था, तो वो मून में अभी अभी क्या प्रेजेंट है वो देखा है, आइस। ऑप्शन बी मून में कुछ आइस प्रेजेंट है, ये Chandrayaan-1 ने कन्फर्म किया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाई गूगल विथ डूडल। मतलब डूडल के साथ किनको ऑनर्ड मतलब समर्थन किया है,
ऑप्शन ए होगा आंसर, इस्मत चुचाइटी, ऑप्शन ए होगा आंसर दोस्तों। ये 107 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ उर्दू राइटर इस्मत चुचाइटी, इनके बर्थडे एनिवर्सरी पर गूगल ने इनको ऑनर किया है डूडल के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 के आगे बढ़ते हैं, व्हिच कंट्री अनवील्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिक फाइटर जेट। दोस्तों ईरान ने एक फाइटर डोमेस्टिक फाइटर जेट डिस्कवर किया है जिसका नाम है कसवार। ये दोस्तों बहुत सारे वेपन लेके जा सकता है, बहुत हैवी हैवी वेपन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के आगे बढ़ते हैं, गोपाल गांधी हैज़ बीन कन्फर्म विथ हुई अवार्ड। दोस्तों गोपाल गांधी अभी अभी उनको अवार्ड मिला है सद्भवन अवार्ड, ये अवार्ड पीस के लिए दिया जाता है, और ये राजीव गांधी बर्थडे एनिवर्सरी पर दिया जाता है। जो गोपाल गांधी ये फॉर्मर गवर्नर थे वेस्ट बंगाल का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के आगे बढ़ते हैं, INS खंजर विजिटेड हुई ऑफ दिस कंट्री। INS खंजर अगस्त 18 से लेकर 20 तक ये विजिट कर रहा था, कहाँ, म्यांमार यांगून में। ये दोस्तों INS खंजर ये विशाखापट्टनम का एक सीप है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं, विनेश फोगाट ओन ए गोल्ड मेडल फॉर हुई ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों विनेश फोगाट ने रेसलिंग में जीते हैं गोल्ड मेडल, और ये 2014 में जो हो रहा था इंचन में एशियन गेम, तो वहाँ भी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ये दोस्तों आज का था करंट अफेयर, इसका मैं PDF क्वेश्चन और आंसर दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सारे दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आज का क्वेश्चन मैं जो पूछ रहा हूँ, जो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, व्हिच ऑफ दिस मंथ वुड बी ऑब्जर्व एज न्यूट्रिशन मंथ। इनमें से कौन से मंथ को न्यूट्रिशन मंथ मतलब ऑब्जर्व किया जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। दोस्तों इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके दोस्तों, गुड बाय।